बच्चों कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों जो आज का टॉपिक है वो हमारा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, इसके पहले जो हमने बात की थी वो थी प्लियोट्रॉपी के बारे में। अभी हम बात करना चाहते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। तो पहले हम क्रोमोसोमल थ्योरी जो है वो हम पढ़ लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये जो थ्योरी है ये क्रोमोसोम के ऊपर बनाई हुई थ्योरी है और इस थ्योरी में उनका कहना है अबाउट इनहेरिटेंस। यू नो व्हाट इज इनहेरिटेंस? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो इनका जो फर्स्ट पॉइंट है देखते हैं क्या है। ये टोटल स्टेट बोर्ड में दिया है उन्होंने। सो ग्रेगर जॉन मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। ग्रेगर जॉन मेंडल ने उनका जो वर्क उन्होंने जो वर्क किया था पी प्लान के ऊपर जो वर्क किया था उस वर्क का जो उन्होंने थ्योरी लिखा था वो थ्योरी उन्होंने पब्लिश किया था। ओके, तो पहले हम ये जानते हैं कि उन्होंने जो वर्क किया था वो वर्क किया था इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट के ऊपर, पब्लिश किया था उससे 1866 में। बट फॉर सम रीज़न इट रिमेन अननोटिस। कुछ कारणों की वजह से उनका जो वर्क है वो नोटिस नहीं किया गया। ओके, जिस सोसाइटी को उन्होंने अपना वर्क पब्लिक सबमिट किया था उस सोसाइटी ने उनका वर्क नोटिस नहीं किया और अनरिकॉग्नाइज टिल 1900 तक उनके वर्क को किसी ने भी नहीं देखा। गॉट इट? ओके, एज द कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। उस वक्त कम्युनिकेशन इजी नहीं था, जैसे आज के ज़माने में आज इंटरनेट है उसकी वजह से जो फास्ट कम्युनिकेशन होता है उस समय में इतना कम्युनिकेशन नहीं था। ओके, एंड हिज वर्क वॉज नॉट वाइडली ऑर्गेनाइज। और उनके वर्क को जितना पब्लिश होना था जितना पहचान उस उनके वर्क को मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाई। एक मीडिया नहीं था, प्रॉपर मीडिया नहीं था। ओके, मीडिया मतलब प्रॉपर मीडिया नहीं था जिस मीडिया से पूरे दुनिया में उनका वर्क जो है वो नोटिस किया जाए, उनके बारे में पता चले, ऐसा उस वक्त कुछ नहीं था। ओके, यस, नेक्स्ट उन्होंने ये कहा हिज अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स। अब देखिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट में मैथ्स यूज़ किया था, स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया था। गॉट इट? सो ही अप्रोच यूजिंग द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमिना। उनको एक्चुअली बायोलॉजिकल फिनोमिना एक्सप्लेन करने थे और इस फिनोमिना के लिए उन्होंने मैथ्स का यूज़ किया था, स्टैटिस्टिक का यूज़ किया था। और ये एक नया कंसेप्ट था, इट वॉज एक्चुअली वॉज टोटली अ न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू देन द बायोलॉजिस्ट। एक्चुअली देखो उस ज़माने में ऐसा था कि बायोलॉजी का पढ़ाई है ना, तो मैथ्स की ज़रूरत क्या है, स्टैटिस्टिक की ज़रूरत क्या है, बायोलॉजी के बीच में मैथ्स और स्टैटिस्टिक क्यों लाते हैं, ऐसा उन सोसाइटी ने कहा था। क्योंकि इनके वर्क में मैथ्स भी था, स्टैटिस्टिक भी था, बायोलॉजी भी था, इसलिए जिन्होंने इनका वर्क देखा था वो खुद कन्फ्यूज थे। यस, उनका F1, F2, टॉल पी प्लान, डॉर पी प्लान, क्या है ये सब कुछ, तो बड़े कन्फ्यूज थे, इसलिए उनको वर्क को रिजेक्ट किया। एक्चुअली जिस सोसाइटी को उन्होंने सबमिट किया था आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी ने प्रॉपरली स्टडी नहीं किया होगा उनके वर्क का। ओके, इसलिए उनके वर्क को नोटिस नहीं किया गया। देन एज कंटिन्यू वेरिएशन वेयर ऑब्जर्व इन नेचर, जैसे कि बहुत सारे कंटिन्यू वेरिएशंस आते हैं, एज द कंटिन्यू वेरिएशन वेयर ऑब्जर्व इन द नेचर मेंडल कंसेप्ट ऑफ द फैक्टर एज अ स्टेबल। तो देखिए काफ़ी सा कंटिन्यू वेरिएशन होते हैं हमारे नेचर में, ये आपको पता है। सो मेंडल कंसेप्ट ऑफ फैक्टर, आपको पता है ना मेंडल ने क्या नाम दिया था, फैक्टर नाम दिए थे। तो मेंडल का जो कंसेप्ट है फैक्टर्स, जिसे आज जीन्स कहते हैं, तो एज अ स्टेबल एंड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट। व्हाट इज डिस्क्रीट? सेपरेट यूनिट। डिस्क्रीट का मतलब जानिए, सेपरेट। सो द फैक्टर्स एज अ स्टेबल एंड द डिस्क्रीट यूनिट विच कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर
आपको ये पता है कोई फैक्टर है, मतलब कोई जीन है, वो अल्टीमेटली क्या कंट्रोल करेगा? वो कंट्रोल करेगा कोई कैरेक्टर। कोई जीन है क्या कंट्रोल करेगा? वो कैरेक्टर कंट्रोल करेगा। ओके ओके देन नेक्स्ट एंड दैट अ पेयर ऑफ अलिल्स, पेयर ऑफ अलिल्स डिड नॉट ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब क्या है? मिक्स। पेयर ऑफ अलिल डिड नॉट मिक्स विथ ईच अदर, वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कॉन्टेम्पोरेरीज। इसका मतलब जानते हैं आप? कॉन्टेम्पोरेरीज का मतलब जानते हैं? एक्चुअली कॉन्टेम्पोरेरीज का मतलब होता है कि उनके साथ या फिर एग्जैक्टली उसी पढ़ाई पे, इनहेरिटेंस पे ही दूसरे साइंटिस्ट की पढ़ाई करना। जैसे कि आपका एक टॉपिक है, आपका एक टॉपिक है और सेम टॉपिक पे बाकी स्टूडेंट भी पढ़ाई कर रहे हैं। आपका एक रिसर्च का एक टॉपिक है, आपने एक रिसर्च के लिए टॉपिक सिलेक्ट किया और सेम टॉपिक पे बाकी साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट भी रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे इनके साथ हुआ था। सो इनका यहाँ पे कहना ये है कि जो यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं वो एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर होता है। मतलब फैक्टर्स क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर को, ये आपको पता है, ठीक है। दूसरा, द पेयर ऑफ अलील डिड नॉट ब्लेंड। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, और आपको पता होगा मेंडल्स का एक रूल था कि यहाँ पे दो अलील साथ में रहते हैं लेकिन वो मिक्स नहीं होते। हमने रूल पढ़ा था, ये नॉट मिक्स बट दे आर टुगेदर। ये कभी मिक्स नहीं होते लेकिन वो टुगेदर रहते हैं, साथ में रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, गॉट इट। और ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था मेंडल का सेकंड लॉ में, अगर आपको याद है तो। सेकंड लॉ में पढ़ा था हमने ये, कैपिटल टी स्मॉल टी दे आर टुगेदर बट नॉट मिक्स टू ईच अदर, है ना। चलो ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया गया, किन्होंने एक्सप्लेक्ट नहीं किया गया? जो अदर साइंटिस्ट थे जो उनके साथ मतलब उन इनहेरिटेंस पे ही पढ़ाई कर रहे थे, है ना, उन्होंने इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। चलो ये बात समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल, मैंने आपको एक टॉपिक दिया, आपको मैंने एक टॉपिक दिया, किसी एक को टॉपिक दिया, सेम टॉपिक बाकी स्टूडेंट भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, और आप में एक डिबेट चलती है बाद में उसी टॉपिक को लेकर, डिबेट चलती है, नहीं सर ऐसा पॉइंट नहीं है, वैसा पॉइंट नहीं है, ये ठीक है ना, इस तरह का। ही ऑल्सो डिड नॉट नो। एक्चुअली मेंडल जी को बिल्कुल पता नहीं था, डिड नॉट नो द फिजिकल लोकेशन ऑफ द फैक्टर इन द गमिट सेल। मतलब इनको बिल्कुल पता नहीं था कि एक्चुअली जो फैक्टर है, मतलब जो जीन्स है, उनकी सही लोकेशन क्या है गमिट सेल के अंदर। कोई गमिट सेल है, इसके अंदर एक्चुअल में जो जीन है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ पे रहता है, ये उनको बिल्कुल नहीं पता था। ये बात समझ में आ गई आपको? यस। इसलिए मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ ताकि हर चीज़ जो है वो वहाँ पे क्लियर हो सके। अब एक नया दौर आया है लगभग इन 1900। तीन साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी वेराइस, कॉरेंस एंड शर्मार्क्स। ये तीन साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल वर्क। इन्होंने अपने अपने हिसाब से, तीनों अलग अलग साइंटिस्ट है और तीनों का एक ही टॉपिक है, वो है इनहेरिटेंस। ओके, तीनों का एक ही टॉपिक है, वो है रीडिस्कवर्ड द मेंडल वर्क। जो मेंडल ने वर्क किया था इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर, इसको वापस से ये तीनों साइंटिस्ट अपने अपने अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं। गॉट इट? यस। सो ड्यू टू द एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, उस वक्त माइक्रोस्कोप की माइक्रोस्कोप जो है उसमें नए नए चेंजेस आ रहे थे, उस वक्त माइक्रोस्कोप की पढ़ाई अच्छी से हो रही थी। तो माइक्रोस्कोपी आने की वजह से द साइंटिस्ट वेयर एबल टू ऑब्जर्व द सेल डिवीजन। उस ज़माने में माइक्रोस्कोप का काफ़ी मतलब माइक्रोस्कोप लोगों ने ढूंढा था इसीलिए, और माइक्रोस्कोप भी अच्छे से वर्क कर रहा था इसलिए उन्होंने सेल डिवीजन को खोजा। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को पढ़ाई किया उन्होंने अंडर द माइक्रोस्कोप। मेंडल्स के वक्त ये पढ़ाई बिल्कुल नहीं थी, क्रोमोसोम की पढ़ाई नहीं थी, उनको सिर्फ एक ही पता था इनहेरिटेंस है और एक फैक्टर है जो ट्रांसफर हो सकता है। गॉट इट?
ओके, हम एक्चुअल में यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी कैसे बनी उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। शुरुआत मेंडल से हुई, अभी हम तीन साइंटिस्ट के नाम लिए हमने, देन नेक्स्ट वॉल्टर सुटन्स अलोंग विद द थियोडोर बोरी, ओके, इन 1903 स्टडीड द पैरेलल बिहेवियर ऑफ मेंडल फैक्टर्स जीन्स। इन्होंने भी पढ़ाई शुरू किया था, मेंडल फैक्टर के बारे में शुरू किया था स्टडी, एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, उन्होंने क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है उसकी पढ़ाई स्टार्ट किया था। कौन सी पढ़ाई? बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एट अ टाइम ऑफ मियोसिस। यस, जब मियोसिस की पढ़ाई स्टार्ट हुई थी ना तब, क्योंकि उस वक्त सेल डिवीजन क्या है इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया था, सेल डिवीजन के ऊपर। बात समझ में आ गई? ओके, तो इसमें चार साइंटिस्ट आ गए अभी इस पैराग्राफ में। कौन कौन से? ये तीनों ने अलग से एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, इन्होंने भी स्टार्ट किया था। ओके, बेस ऑन दिस ऑब्जर्वेशन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मतलब जितना भी पढ़ाया हुआ क्रोमोसोम का तो उसके ऊपर थ्योरी लिखेंगे वो। सो बेस ऑन दिस ऑब्जर्वेशन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज पुट फोर्थ बाय सुटन एंड बोवरी, IMP है ये। सुटन एंड बोवरी ने सेल थ्योरी को पब्लिश किया, सेल थ्योरी लिखी गई। द थ्योरी, दिस थ्योरी आइडेंटिफाइज द क्रोमोसोम एज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब ये थ्योरी क्या कहती है वो हम जानते हैं, मतलब वो हमें पढ़ना है, ये थ्योरी क्या कहती है। पहला पॉइंट है थ्योरी का, ये क्या पॉइंट है, ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी आइडेंटिफाई द क्रोमोसोम, इस थ्योरी ने ऐसा कहा है जो क्रोमोसोम है वो एक कैरियर है जेनेटिक मटेरियल का। जेनेटिक मटेरियल आप जानते हैं, जेनेटिक मटेरियल मतलब आप बोल सकते हैं DNA है, जीन है ना। यस, तो उसका माध्यम कौन है? क्रोमोसोम्स है। ओके, यस, क्रोमोसोम की वजह से ही ट्रांसफर होता है। दूसरा उन्होंने कहा, दिस थ्योरी स्टेट डैट, ये थ्योरी ऐसे कहती है, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ पेयर इन सोमैटिक सेल। जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर में है सोमैटिक सेल में। जानते हैं हम ये सेल है, इसमें ह्यूमन, ये ह्यूमन सेल है, 23 क्रोमोसोम्स है, CHR मतलब क्रोमोसोम, ये पेयर में है। ये पता है हमें कि ये सेल है, 23 क्रोमोसोम है, पेयर में है, पेयर कुछ इस तरह होगी, ऐसे पेयर में क्रोमोसोम है, इनके नंबर कुछ इस तरह है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाद में डॉट 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 डॉट, ये 23rd पेयर, ऐसे 23 पेयर्स है क्रोमोसोम्स की। ओके, नेक्स्ट इनका ये कहना है, सो ड्यूरिंग गमिट फॉर्मेशन, गमिट फॉर्मेशन के वक्त जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर होती है सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब है सेपरेट, सेग्रीगेट का मतलब क्या है? सेपरेट, एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। अब ये क्या है वो समझिएगा, इनका सीधा ये कहना है कि ये सेल है ना, जब इसका होगा गमेटोजेनेसिस, गमेटोजेनेसिस मतलब जब गमेट बनेंगे, तो गमेट बनते वक्त क्या होगा, गमेट बनते वक्त आपको पता है गमेट, गमेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा है मियोसिस होता है, याद आया ना, मियोसिस 1 एंड 2, ड्यूरिंग गमेटोजेनेसिस देयर इज अ मियोसिस। और ये भी पता है हमें कि यहाँ पे ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इट्स अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और जब ये डिवीजन हुआ तो आपको पता है, मान लेते हैं यहाँ पे दो सेल बन गए, जब दो सेल बने तब एक सेल में एक क्रोमोसोम आया, इसमें एक क्रोमोसोम आया, मतलब जो यहाँ पे आप पेयर देख रहे हैं क्रोमोसोम की, और ये होमोलोगस पेयर है, होमोलोगस पेयर, होमोलोगस का मीनिंग मैं आपको बताऊं, जैसे कि एग्जांपल देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जैसे हमने अपने नाम दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, ये 23rd पेयर। अब जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो पेयर में है, और
जो पेयर जो है ये वन नंबर की पेयर, दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोजोम। अब मुझे बताइए ये जो वन नंबर आपको दिख रहा है इसमें कितने क्रोमोजोम है? इसमें दो क्रोमोजोम्स हैं, इसमें आपको दो क्रोमोजोम नज़र आ रहे हैं सफ़ेद कलर में, आप देख सकते हैं ऐसे इसमें दो क्रोमोजोम्स है, इसलिए हमने इसको पेयर कहा। ये आप देख सकते हैं ये है फर्स्ट पेयर, इसमें कितने क्रोमोजोम है? ये पहला और ये दूसरा, ऐसे दो क्रोमोजोम्स है इसमें, समझ में आया, उसकी पेयर बनी। सो दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोजोम क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है ना, इनके कैरेक्टर सेम है, इनका स्ट्रक्चर सेम है, इनका कैरेक्टर सेम है, इसलिए इनको होमोलोगस क्रोमोजोम कहा गया है, इसलिए उनकी पेयर बनी है। अब ऐसे यहाँ पे लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगभग 23 पेयर बने हुए हैं। अब मैंने यहाँ पे जो सेल ड्रॉ किया, ये देखिए सेल ड्रॉ किया, आप पेयर बनाई, होमोलोगस की पेयर बनी, उसका हुआ था मियोसिस दैट इज़ गमेटोजेनेसिस, दो सेल। अब क्या हुआ है? अब हो गए वो अनपेयर्ड, क्या बन गए? अनपेयर्ड मतलब जो सेल था, आपको पता है ये सेल में, इस सेल को हम कहते हैं टॉइसियन, टॉइसियन का मतलब क्या है? डिप्लॉइड, और ये कन्वर्ट हुए यन यन में, यन यन का मतलब क्या है? हैप्लॉइड। ये पूरा हमने पढ़ा है ड्यूरिंग मियोसिस, सो डिप्लॉइड कन्वर्ट इनटू हैप्लॉइड्स, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो उन्होंने लास्टली यही कहा हमसे, ईच गमिट कंटेन ओनली वन क्रोमोजोम फ्रॉम द पेयर, मतलब जो पेयर है उसमें से एक एक क्रोमोजोम चला आएगा गमिट्स में, आप इसको गमिट बोल सकते हैं। ये जो हैप्लॉइड आपने बोला, जैसे ड्यूरिंग गमेटोजेनेसिस का मतलब है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस, तो हम एग्जांपल लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये क्या बन गए? ये बन गए स्पर्म। ये क्या बन गया? ये बन गया स्पर्म, है ना। ड्यूरिंग हमने जब टॉपिक की बात की थी, रिप्रोडक्शन टॉपिक की, तब हमने पढ़ा था ये ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मियोसिस, स्पर्म बन गए, हैप्लॉइड स्पर्म बन गए, उनमें एक ही क्रोमोसोम है, उनमें पेयर नहीं रहेगा। गॉट इट? ओके, तो ये तो बात हो गई यहाँ तक। तो ये जो थ्योरी है, वी कॉल इट अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें सबसे लास्ट वाली जो चीज़ें उन्होंने बताई है क्रोमोसोम थ्योरी के बारे में, क्या क्या क्रोमोसोम थ्योरी के अंदर उन्होंने इन्वॉल्व किया है, वो आप पढ़ लीजिए, वो IMP है, और इसका हिस्ट्री जो है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे।